रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को दबोचकर एक बोलेरो वाहन, एक 12 पेटी शराब की जब्त। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चंदेल की निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया, एसडीओपी पोहरी निरंजन सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में बैराड़ थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत थाना प्रभारी बैराड़ निरी सतीश चौहान एवं उनकी पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 12 पेटी कुल 600 क्वार्टर अंग्रेजी शराब कीमत 72,000 रुपए एवं एक बोलेरो गाड़ी कुल मर्शुका करीबन 8,72,000 रुपए का विधिवत जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपियों के विरुद्ध थाना बैराड़ पर आबकारी एक्ट के तहत पंजीकरण बद्ध किया गया। सर, आज आपने दारू के साथ जो बोलेरो गाड़ी पकड़ी है, क्या मामला है? ये गाड़ी पटेलवी साइड से अवैध शराब भरके लेके आ रही है। उसके सूचना कैसे कहते हुए मैं फोड़ के निकला, फिर वहाँ पे पटेलवी से उधर आती हुई एक ऐशवाड़े की सैराने में काट दी थी, जिसे मैंने और अपने हमारा फोर्स की स्टाफ की मदद से उसको रोका। तो उसको गाड़ी को जब चेक किया तो उसमें 12 पेटी फिलहाल को रिस्की की मिले, उसमें उसको बिजली जब्त किया गया और उसमें 6 आरोपी थे, 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है।